तो हेलो जी नमस्ते, कैसे आप लोग? तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज वाला केक ना सब लड़का लोग का है, जेंट्स वाला केक है, ठीक है, लेडीज़ लोग का नहीं है। पता नहीं लेडीज़ लोग ऐसा करता नहीं करता, लेकिन उन लोग के लिए शायद नहीं है फिर भी। लेकिन आप लोग देख लो अगर देखना चाहते हो तो कौन सा केक है। तो चलो फटाफट से पहले लेयर लगाएंगे और देखना क्या शेप बनाता हूँ इसका। तो बटर स्कॉच फ्लेवर में बनाना है ये वाला केक जो मैं भी बनाऊँगा, और क्या केक है वो तो आप वीडियो पे बने रहो तो ही आप लोगों को समझ में आएगा। और वीडियो लास्ट तक देखा करो यार, तभी आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आएगा। बिना आधा में देख के चले जाते हो फिर आप लोग कमेंट करते हो, और उस चीज़ का मैं वीडियो में बता चुका होता हूँ, इसलिए पूरा देखा कीजिए तो आप लोग को पूरा समझ में आएगा। तो ये देख सकते हैं स्पंज में ले चुका हूँ जो कि हमारा एग वाला स्पंज है। इसका भी आप लोग बहुत कमेंट करते हो कि भैया स्पंज का रेसिपी बताइए। तो देखो स्पंज का रेसिपी हमारा वो यूट्यूब पर मैं डाल चुका हूँ, सुनील केक मास्टर यूट्यूब चैनल है मेरा उसी पर, और वहाँ पे सिर्फ सर्च करना है आप लोग को सुनील केक मास्टर स्पंज आ जाएगा ऑटोमेटिक टॉप पे ही, आप देख सकते हो जाके। तो स्पंज का प्रॉब्लम दूर हो गया, देखो इस वीडियो में बताया हो ना, अभी कोई कोई नहीं देखा होगा ना वो सीधा फिर कमेंट करेगा स्पंज का रेसिपी बताओ, तो इसलिए वीडियो पूरा देखने के लिए बोलता हूँ। बटर स्कॉच फ्लेवर में है देख सकते हैं, क्रीम में मैं क्रश और नट्स वगैरह सब कुछ मिक्स कर लिया हूँ अच्छे से। अब उसके बाद फिर बीच में थोड़ा लेयर देना पड़ेगा क्योंकि हाइट करना पड़ेगा, और ये स्पंज उतना हाइट नहीं रहता ना, तो बीच में काट करके जोड़ना पड़ता है। और बड़ा बड़ा केक बनाने के लिए तो लेयर तो बीच में कैसा भी डालना पड़ता है, क्योंकि उतना तो स्पंज हम नहीं रख सकते बड़ा, तो इसी वजह से। तो चलो अब इसका हम शेप डालेंगे। और एक चीज़ और, इसमें भी आप लोग का कमेंट रहेगा ना, इतना सारा स्पंज वेस्ट कर रहे हो साइड से, बट इतना सारा स्पंज वेस्ट नहीं होगा, वो वहीं पर है, अब इसी में यूज होगा, ठीक है। टॉप में सेंटर में देखो, अभी बीच में डाल करके इसको गोल करना पड़ेगा। और मैं बोला था ना ये वाला केक मतलब लड़का लोग का है, तो कौन सा बॉटल केक है, लेकिन बॉटल कौन सा है अगर आपको पता होगा तो यहीं पे कमेंट करो, तो ठीक है आगे वीडियो मत देखना कौन सी बॉटल की बात कर रहा हूँ, आप यहीं पे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो, आगे तो मैं बताऊँगा ही सही। तो ये अभी हमें बॉटल का शेप देना है, तो फिलहाल जितना होगा साइड से ऐसे कटिंग कर लेना है। और कभी भी अगर बॉटल का शेप देते हो ना तो पतला रखना आप लोग लेयर, देख सकते थे ना मेरा ये ज़्यादा थोड़ा 2 kg में था इसलिए मेरे को थोड़ा मोटा रखना पड़ा, लेकिन हाँ छोटा में रहता ना तो और मस्त बनता ये वाला जो मैं भी बना रहा था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था इसके लिए, थोड़ा खाते पीते घर का दिख रहा था मोटा हुआ, तो इसके लिए बाकी इसको अच्छे शेप देना है। तो ये हो गया, अब इसका मैं जो कटिंग्स था ना आप देख लो, जितना कटिंग था मैं ऊपर में सब चिपका के और सेट कर दिया हूँ पूरा अच्छे से। और ये वाला मुझे बॉटल का बनाना है, लेकिन बॉटल कौन सा, बियर वाला, ठीक है, जो लड़का लोग का फेवरेट रहता है, मेरा नहीं है, ठीक है, कमेंट में मत बोलना कि आप भी तो हो गए ना, मेरा ऐसा कुछ मजाक कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जिसको होना लेके जाओ कोई दिक्कत नहीं है, सबका होता है, किसी किसी का नहीं भी, सबका ऐसा नहीं बोल सकते, किसी किसी का मस्ती कर रहा था मैं, ठीक है। बाकी चलो केक बॉटल शेप तो मैं दे दिया, देख सकते हो कैसे दिया पूरा अच्छे से। और बाकी ग्रीन कलर का हमें ये पूरा रखना था, तो क्रीम भी हमें ग्रीन कलर का ही आइसिंग कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर कुछ अगर आपको पता है कि ऊपर से मैं ये कलर अगर रेड ग्रीन ब्लू नीला जो भी करना है ना, तो वो अगर करें तो क्रीम भी नीचे वही कलर का रखो, तो क्या ऊपर से जेल अभी इसमें मैं डालूंगा, तो अगर जेल डालोगे ना तो कहीं कहीं जैसे थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो मैनेज हो जाएगा। और वाइट पे अगर डालते तो पूरा प्रॉपर ग्रीन नहीं दिखता, ये वाइट दिखता है, लेकिन बाद में देखना पूरा फिनिशिंग आएगा, ऐसा लग रहा है कांच का ही बॉटल है, ठीक है, मैं खुद इस वीडियो में बोल रहा हूँ, पूरा देखो आप लोगों को ऐसा ही लगेगा ये लेके कि हाँ जैसा लग रहा है कांच का ही बॉटल है, क्योंकि उस तरीके से ही डाला हूँ। और क्या तरीका है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, कि अगर आप लोग भी कभी ऐसा डालते हो तो वैसा ही डालना, बट थोड़ा दिक्कत होता है ऐसा फिनिशिंग वगैरह करने में, ऐसा बॉटल वगैरह का अलग मतलब कुछ सेफ रहे ना, तो क्रीम को थोड़ा फिनिशिंग करने में टाइम लगता है, लेकिन देखो कर लिया था। और जो मैं तरीका बोल रहा था ना कैसे डालना, तो देखो इसी तरह से न्यूट्रल जेल को थोड़ा क्रीम मिलाया और ग्रीन कलर का बनाया और पूरा इसमें डाल देना, मतलब इसको टच ही नहीं करना, जैसे हम लोग चॉकलेट ट्रफल डालते हैं ना सेम वैसा ही इसको भी डालना है, तो फिर ऑटोमेटिक देखो पूरा चमकेगा जैसे कांच वाला रहता है ना, वैसे शाइनिंग देखो मस्त आ जाता है। और भैया अगर न्यूट्रल जेल करके और फिनिशिंग करते ना ऐसा डोम पट्टी या फिर आइसिंग नाइफ से, तो इतना फिनिशिंग नहीं आता, ठीक है। तो अगर आप लोग भी कभी बॉटल केक बनाओ तो उसको टच मत करना, न्यूट्रल जेल अगर उसमें डालना होता है ब्लैक वाला या फिर ग्रीन वाला तो पूरा उसमें डालना, ठीक है, उसको छूने का काम मत करना नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो ये पूरा बॉटल हो गया कंप्लीट, अभी इसमें किंग फिशर वगैरह का स्टिकर भी डालूंगा, वो भी आगे दिखाऊंगा। फिलहाल मैं बेस पे अभी ग्रीन कलर का स्पंज का ही चूरा बना लिया हूँ, स्पंज में मतलब ग्रीन कलर डाल के चूरा बनाया, उसके बाद बेस पे लगा दिया, ठीक है। तो अभी देख सकते हो इसमें मैं स्टिकर किंग फिशर का ऐसे मंगवा करके चिपका दिया ताकि रियल बॉटल लगे, ठीक है। तो देख सकते हो ये थोड़ा सामने वाला थोड़ा ख़राब हो गया, फोल्ड ही नहीं हो रहा था, मतलब बार बार उठ जा रहा था, ऐसा ना सॉफ्ट रहता तो अच्छा रहता था। तो ये लो ढक्कन वगैरह सब में लगा दिया, लेकिन ढक्कन रेड रहता है, मैं वाइट लगाया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उतना एडजस्ट हो जाएगा। बाकी ये वाला केक हो गया रेडी, कैसा बना आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और बाद में पीने के बाद में ये वाला भी मारता है ना लोग, वो भी रख दिया हूँ, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ ये वाला केक कैसा लगा, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना।